पतंजलि योगपीठ हरिद्वार की ओर से बबुआ आरा सदर प्रखंड के वार्ड नंबर 28 मोती टोला इस ऐतिहासिक मंदिर और अखाड़े के प्रांगण में 5 दिनों का यह योग शिविर का निःशुल्क कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी इस कार्यक्रम में भाग लेकर के दुनिया में जितनी प्रकार की बीमारियां हैं, चाहे छोटी बीमारियां हों या कैंसर जैसे भयंकर कष्ट देने वाली बीमारियां हों, उन सभी बीमारियों को हम योग प्राणायाम के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भोजपुर जिला पतंजलि योग समिति के जिला के प्रभारी आदरणीय सुरेंद्र प्रसाद चौरसिया जी मंच पर आसीन हैं। इनको एक बार हम लोग पूरे मोती टोला मोहल्ला की तरफ से अभिनंदन करते हैं, तालियों के साथ में स्वागत करते हैं। और हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक के रूप में हमारे बीच में क्या नाम उनका सुरेंद्र प्रजापति जी हैं, जो मोती टोला के रहने वाले हैं। और ये कई दिनों से ये संपर्क बनाए हुए थे कि हमारे इलाके में भी कार्यक्रम हो, यह सारी क्षेत्र होते हुए भी यह रूरल एरिया जैसा है और इस एरिया में योग का कार्यक्रम करना विषम परिस्थितियों में जैसे हम जैसे पत्थर पे डूब जमाते हैं उन विषम परिस्थितियों का अनुभव करते हुए हम चाहते हैं कि यहाँ पर योग का कार्यक्रम हो और योग के माध्यम से लोग स्वस्थ हो। और इस कार्यक्रम में हमारे भोजपुर जिला पतंजलि योग समिति के महामंत्री के रूप में काम कर रहे सेवा दे रहे हमारे बीच में उपेंद्र कुमार जी उपस्थित हैं, उन्हें भी एक बार पतंजलि योगपीठ हरिद्वार की ओर से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आप सभी योग साधकों को भी एक बार अभिनंदन स्वागत प्रणाम करते हैं कि आप सभी लोग जहाँ इस घोर कलयुग में जहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, जहाँ चारों तरफ व्यभिचार बलात्कार भ्रष्टाचार और अनेक प्रकार की कुरोतियों में लोग फंसे हुए हैं, वैसे विषम परिस्थितियों में भी आप लोग इस प्रातः वेला में घर से निकल करके योग के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। यह वास्तव में यह गौरव का विषय है, यह वास्तव में काबिले तारीफ है। तो आइए आप सभी लोगों के बीच में हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे वैदिक मंत्रों के द्वारा। तो आइए सभी सीधे बैठ जाए, पालथी मार करके, देहाती भाषा में कहें तो पालथी मार लीजिए, यानी जिसको जैसे बैठने का मन हो बैठिए, चाहे सिद्धासन सुखासन पद्मासन हो। हमारे बीच में प्रभारी जी बैठे हुए हैं सिद्धासन में और ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाकर बाकी तीनों उंगलियों को हम सीधा रखेंगे और दोनों हथेली को आसमान की तरफ खुला छोड़ते हुए घुटने के ऊपर रखेंगे। मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके आंख बंद करके 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र का, 1 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। तो आइए जो अगल बगल खड़े हैं वो यथास्थान आप दरी पे बैठ करके क्रम लाइन में बैठ करके और इस कार्यक्रम में भाग लें और आप सभी अपने शरीर को स्वस्थ बनाएंगे। और 5 दिनों में ही मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 5 दिन जो व्यक्ति बैठेगा अपने शरीर के आधी बीमारी को 5 दिनों में ही भगा लेगा, चाहे वो किसी भी तरह की बीमारी हो। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, आंख बंद करिए, सांस भरिए। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान्
मृत्योर मोक्षीय मामृतात् ओम सहनावतु शनाहुनक्तु शावीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायमृतं गमय ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शान्ति शान्ति शान्तिः ओम। आप सभी दिव्यात्माओं को एक बार पुनः अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और अगले अभ्यास की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और प्राणायाम रूपी गंगा में स्नान करके आंतरिक रूप से और बाह्य स्वरूपों को भी हम पवित्र करेंगे और बीमारियों को धो डालेंगे। ओम।